गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री कृष्णा। हम आज पिछले लेक्चर में अपना टेंजेंट नॉर्मल के बारे में पढ़े थे और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे टेंजेंट नॉर्मल को। पिछले लेक्चर में हमने टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का और नॉर्मल का स्लोप निकालना सीखे थे, कुछ इक्वेशंस भी निकाले थे। आज कुछ और सवाल करेंगे टेंजेंट नॉर्मल पे और कुछ JEE IIT के भी क्वेश्चन अपने करने ही है, कल भी करे रहे होंगे, आज भी करेंगे। तो और थोड़ा सा टेंजेंट नॉर्मल पे हल्का सा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और मेरा मन कर रहा है बताने का, लाइक पोजिशन ऑफ टेंजेंट्स, पोजीशन ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स थ्रू कॉनकेविटी, यानी कई बार कॉनकेविटी से भी अपने को सवाल दे देता है, टेंजेंट की पोजीशन बताना पड़ता है कि इसकी टेंजेंट की पोजीशन का मतलब टेंजेंट कहाँ होगी, कैसे होंगी, ऊपर होंगी, नीचे होंगी, किस तरह से होंगी, इनको बताना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि देखो DY/DX अपन लोग निकालते हैं जो कि स्लोप कहलाता है। DY/DX क्या कहता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और उसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि आपका कनकेविटी हो जाएगा, जैसे लाइक D²Y/DX²। कनकेविटी के बारे में डबल डेरिवेटिव बताता है, अगर ये पॉजिटिव है या D²Y/DX² अगर निगेटिव है, यानी जिस भी पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं या आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहां पे हम किधर निकाल रहे हैं, तो ये आपका अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका और इसका, यहाँ पे किसी हम पहले पर्टिकुलर पॉइंट लिख सकते हैं, नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं। तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है और डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव है तो ये कहलाएगा, इस केस में ये हो जाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा इस केस में कॉनकेव अप, यानी कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर साइड में कॉनकेव रहेगा। कैसे इसका ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसे रहेगा इसका ग्राफ, आ रही बात समझ में। अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव रहेगा तो उस केस में इसका हम कहेंगे कि ये है कॉनकेव डाउनवर्ड। और उस केस में क्या हो जाएगा आपका, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तब ग्राफ ऐसे बनेगा। अब एक चीज देखो कि आप देखो ध्यान से कि इसके मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं, अगर ग्राफ ऐसे कनकेव डाउनवर्ड है, मान लो कि हिसाब से ये पूछा जाएगा और आगे पढ़ेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा जाएगा कि कितने देर तक ये कनकेव अप है और कितने देर तक कनकेव डाउन है, तो सब हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर मान लो कनकेव आपने अप निकाल लिया, कनकेव अपवर्ड कर लिया है, उस केस में आप किसी भी इसके पॉइंट पे टेंजेंट खींच के देखो, जैसे मैंने एक टेंजेंट ये खींचा। अगर किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचते हो कहीं भी, तो आपको दिख रहा होगा कि टेंजेंट इस कर्व के नीचे लाई कर रही है, मतलब यहाँ पे जितनी टेंजेंट्स हैं वो सब इस कर्व के नीचे लाई कर रही है। तो हम क्या कहते हैं इस केस में कि टेंजेंट्स आर यही पोजिशन है इसकी, टेंजेंट्स आर बिलो द कर्व, कर्व के नीचे है जितनी भी टेंजेंट्स है। अब जरा देखो, कनकेव अपवर्ड है मतलब कनकेव डाउनवर्ड है, मतलब आपका डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, उस केस में क्या है इसका, डबल डेरिवेटिव निगेटिव है तो वो कहीं भी आप टेंजेंट खींचो, देखो एक ये टेंजेंट खींचा हमने, एक टेंजेंट ये खींचा, कहीं भी अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो आपको दिख जाएगा कि इस केस में आपको दिख जाएगा, देखो ये आपको दिख जाएगा कि सारी टेंजेंट्स कर्व के ऊपर हैं, मतलब क्या कह सकते हैं यहां पे कि टेंजेंट्स आर एबव द कर्व, टेंजेंट्स जो है कर्व के ऊपर है। बात समझ में आ गई, जरा और आगे बात करते हैं। जैसे आप जरा देखो, ये तो दो चीजों पे अपने, जैसे मान लो सवाल आपके सामने, ये सवाल आपके सामने है कि इफ fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस टेन एक्स एंड एक्स बिलोंग टू 0 to π/2, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
एक्स बिलोंग टू जीरो से पाई बाई टू। सबसे मैं आईआईटी के सवालों को कभी भी मानता हूं तो मानता हूं कि उसका सारा कुछ छुपा होता है यहाँ पे, जब वो इंटरवल जो देता है सारा, मतलब 70% मैथ के सवाल वहीं पे छुपे होते हैं उस इंटरवल में। इंटरवल को अगर हमको क्रैक करना आ गया तो बाकी चीजें क्रैक करना आ जाता है, नहीं तो बाकी चीजों में बड़ा आसान होती है। इंटरवल पे ही हमें ध्यान देना होता है। तो लिखा है एक्स इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, देन टेंजेंट्स आर, देन टेंजेंट्स आर, टेंजेंट्स के बारे में क्या कह सकते हैं, और पहला ऑप्शन है बिलो द कर्व ऑफ एफएक्स, एफएक्स का जो भी कर्व होगा उसके नीचे, दूसरा एबव द कर्व ऑफ एफएक्स, तीसरा सी नथिंग कैन बी सेड, मतलब हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ऊपर होगी कि नीचे होगी, या चौथा ऑप्शन, ये चारों में से कुछ भी नहीं है, कुछ और अलग आ रहा है, मतलब कट कर रही है या टेंजेंट हो ही नहीं रही है, कुछ ऐसी बात है। तो क्या करेंगे भाई, जब टेंजेंट के ऊपर नीचे की बात आएगी कि टेंजेंट कर्व के ऊपर है कि नीचे है, तो इसको कौन लेके बताएगा, कनकेविटी बताएगा। क्या बताएगा, कौन बताएगा, कनकेविटी बताएगा, कि अगर कनकेविटी यानी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो कनकेव अपवर्ड टेंजेंट नीचे, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो कनकेव डाउनवर्ड टेंजेंट ऊपर। भाई देखो सिंपल सी बात है कि सर हमको याद कैसे रहेगा, तो याद भाई देखो ये दो चीजें आपको रट लेते हो, तीसरी वाली चीज के लिए आपको वहां पे मात्र 10 सेकंड और एक्स्ट्रा खर्चा करो, चार नंबर पाने के लिए 10 सेकंड एक्स्ट्रा खर्चा करो कि ग्राफ बनाओ और फटाफट टेंजेंट खींच के देखो कि नीचे आ रही है कि ऊपर आ रही है। ग्राफ बनाओ, मतलब अगर निगेटिव आया तो आपको क्लियर हो गया कि कनकेव डाउनवर्ड हो गया, मतलब कनकेव डाउनवर्ड का फटाफट ग्राफ बनाओ, उसके बाद फटाफट टेंजेंट खींचो, देखो नीचे की ऊपर, फिर आप बोलो। हम ये नहीं कहेंगे कि इसको रटो कि ये पॉजिटिव फिर अपवर्ड फिर टेंजेंट नीचे, निगेटिव फिर डाउनवर्ड फिर टेंजेंट ऊपर, ये रटना नहीं है। सिर्फ ये दो बातें आपको याद हो जाएंगी, मैं इसलिए याद हो जाएंगी वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आपके सामने इतने बार आएगा और इतने बार आता है, क्लास 11 से आ रहा है क्वाड्रेटिक के टाइम से, कि ये चीज याद हो गई होगी बल्कि। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, अब हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है तो एफ डैस एक्स, आप कहोगे सर डीवाई बाई डी एक्स को निकाल ले हो, तो बात एक ही है, डीवाई बाई डी एक्स का है या एफ डैस एक्स का है, बात एक ही है। क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। देखो तो बच्चों कॉस एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, एफ डबल डैश एक्स निकाला, क्या हो गया बच्चों कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस सेक एक्स का हो गया, चेन रूल लगेगा पहले इसका हो जाएगा टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स का हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, sec x into tan x। अब जरा देखो तो बच्चों f डबल डैश x की वैल्यू जब हम निकाले तो सब में से माइनस कॉमन कर लिया, ये हो गया आपका sin x माइनस टू sec sec मिलके हो गया sec स्क्वायर x, माइनस नहीं प्लस हो गया ये sec स्क्वायर x into tan x। अब इस केस में जरा देखो तो अपने पास x क्या है, अब हमको डिसाइड करना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो x है आपका 0 से पाई बाई टू, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यह होता है कि साइन सेक टेन सारे के सारे पॉजिटिव। अगर सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव है तो देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी हो गई पॉजिटिव, बाहर में माइनस लगा है, मतलब ये डबल डैश एक्स निगेटिव आ गया, मतलब कॉनकेव डाउन हो गया। कॉनकेव डाउन होने का मतलब ये होता है आपका कि ऐसे ग्राफ बना, टेंजेंट कुछ दिख रहा है, टेंजेंट ऊपर खींच रही है, मतलब अबव द कर्व ऑफ एफएक्स, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि कॉनकेविटी से ही ये डिसाइड करते हैं, और कॉनकेविटी नहीं पता होती तो ये बात हम कभी नहीं बता पाते। बात पकड़ में आई बच्चों, जरा और आगे आओ। अच्छा एक और कुछ बातें कल की मैं बात थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं, रिमाइंड थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले रिमाइंड कराता हूँ। क्या रिमाइंड करा देता हूँ, जैसे पहली बात कि अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू एज, देखो मैं थोड़ा इधर हट जाता हूँ ताकि आप देख सके, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कहता है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डी वाई बाई डी एक्स उस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट पी होगा उस पॉइंट पी पे, देखो डर जाते हो बहुत बार आप लोग कि सर ये पॉइंट पी क्यों लिख रहे हो, अरे कुछ नहीं, जो भी वैल्यू होगी अल्फा बीटा या 2, 3, 1, 3 उसको उठा के बस इसमें रख देना है, तो वहां पे हो जाएगा जीरो। दूसरी बात, अगर ये कहता है कि टेंजेंट इज
इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इसका एक और मतलब होता है, हम कहें तो इसका एक और नाम देते हैं लोग और सवाल में डायरेक्ट बोलता है वर्टिकल टेंजेंट। जैसे x की पावर 1/3 का y एक्सिस इज द वर्टिकल टेंजेंट, तो वर्टिकल टेंजेंट अगर हो उस केस में dy/dx की वैल्यू कल आपने बताया था आप लोगों ने कितना 1/0, यानी इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा 1/0, ठीक है, तो हम इसको 1/0 ही लेके चलेंगे। तीसरा, अगर इक्वल इंटरसेप्ट होगा तो इक्वल इंटरसेप्ट, पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा है इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे, एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों पे अगर रहेगा उस केस में dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगा ±1। अगर लेंथ ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, फिर से सुन लो, ये नहीं लिखा है कि लेंथ ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, अगर यहां पे लेंथ यूज नहीं किया है लेंथ वर्ड उस केस में आप सिर्फ +1 लेके चलना, अगर लेंथ यूज नहीं किया सिर्फ इतना लिखा है तो +1 ले लेना, अगर लेंथ लिखा हुआ है तो +1 -1 दोनों लेके चलना। आ रही बात समझ में? अगर चौथी बात इक्वली इंक्लाइंड होगा तो, इक्वली इंक्लाइंड होगा तो उस केस में, फिर मैं कल बताया था इक्वली इंक्लाइंड के केस में भी dy/dx क्या हो जाएगा बच्चों +1। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं अगला सवाल आपके सामने रख रहा हूं, जैसे मैं इधर का फटाफट बोर्ड साफ करके और अगला सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं, जैसे देखो सवाल आपके सामने ये रखा कि फाइंड पॉइंट ऑन कर्व y³ + 3x² = 12y वेयर टेंजेंट्स आर वर्टिकल, जहां पे टेंजेंट्स कैसी हो जाए वर्टिकल। तो पहला काम भाई देखो, मैं थोड़ा सा एकदम आसान मेथड से, लंबा है लेकिन आसान से लेके चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए चीजें कि होता क्या है, और एक बार आप ये लंबा वाला समझ गए तो शॉर्ट करना तो आपके दिमाग में है कि शॉर्ट करने के लिए क्या क्या लाइन हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट वो लकी पॉइंट है, लेट दैट लकी पॉइंट, मैं ऐसे चीजों के लिए लकी पॉइंट वर्ड यूज करता हूं, लकी मतलब वो भाग्यशाली जिसको जहां पे टेंजेंट वर्टिकल होने का मौका मिला है, तो लकी पॉइंट है वो अल्फा कामा बीटा, मैंने मान लिया कि अल्फा कामा बीटा है, या कई बार एच कामा के भी मान लेते हैं पर हम अल्फा बीटा कामा मान लिया यहां पे। अगर ये लकी पॉइंट अल्फा कामा बीटा है तो वो पॉइंट मस्ट बी लाई ऑन द कर्व, क्योंकि पूछा भी है कर्व का पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट कहां है भाई, पॉइंट ऑन द कर्व। देखो एकदम मैं पूरा एकदम सवाल को ओपन करके लेके जा रहा हूं, कर्व पे है तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब β³ + 3α² = 12β एक इक्वेशन मिल गई, और कहीं से एक इक्वेशन मिल जाती तो अल्फा और बीटा को हम सॉल्व कर लेते। उसके लिए सवाल में आगे लिखा हुआ है क्या कि टेंजेंट कैसी है वर्टिकल, अगर वर्टिकल टेंजेंट है इसका मतलब कि dy/dx किस जगह पे भाई, अल्फा बीटा पे क्या हो जाएंगी 1/0, इनफाइनाइट हो जाएगा उसका स्लोप, और स्लोप जीरो हो गया तो पहले हम उसका 1/0 हो गया तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3y² * dy/dx +6x = 12 * dy/dx। अब dy/dx को कॉमन कर लिया अगर हमने तो क्या बन गया 3y² अच्छा एक और काम दिख रहा है कि 3 पूरे से कट रहा है ये 2 बार कट रहा है, ये 4 बार कट रहा है, तो y² कॉमन कर लिया बचा आपका dy/dx कॉमन कर लिया तो बचा y² और इधर वाला इधर आके बन गया सिर्फ 4, तो बच गया 4 = -2x, मतलब dy/dx = कितना बच गया बच्चों यहाँ पे देखो तो -2x / y² - 4। ये dy/dx की वैल्यू बच्चे, थोड़ा सा और आगे वाला पार्ट थोड़ा सा और मिटाते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब इसके बाद आपके सामने, इसके बाद अब ये कह रहा है कि dy/dx जो है अल्फा कामा बीटा पे आपका 1/∞ है, अल्फा कामा बीटा रखने का मतलब -2α/y² - 4, मतलब आपका β² - 4, यानी यह हो गया β² - 4 = 1/0। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
ये वाला पूरा पोर्शन जीरो हो गया, बीटा स्क्वायर माइनस फोर एक बार गया, बीटा स्क्वायर बराबर हो गया चार, बीटा बराबर हो गया आपका प्लस माइनस टू। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस टू। यहां से अब अल्फा निकालना है भाई, कौन सा कठिन काम है, तो क्या होगा नौ अल्फा बीटा इज इक्वल टू टू होगा तो क्या आएगा, और बीटा इक्वल टू माइनस टू होगा तो क्या होगा, फटाफट निकाल लेंगे। यहां देखो क्या है, बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व कॉमा बीटा, ट्वेल्व इंटू बीटा ये हो गया आठ, थ्री अल्फा स्क्वायर और ये कितना हो गया बारह, और में से निकलेगा बारह ट्वेंटी फोर, यानी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू चौबीस में से आठ निकलेगा सिक्सटीन बाई थ्री, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस फोर अपॉन रूट थ्री। सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से लेके चला तो माइनस टू का क्यूब, यहां देखो प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस चौबीस, थ्री अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस चौबीस माइनस आठ, उधर जाके प्लस आठ बन गया तो माइनस सोलह हो गया, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस सोलह बटे में तीन हो गया, अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट में माइनस सोलह बटे में तीन, नॉट पॉसिबल, कभी संभव नहीं है। ठीक है, तो कभी भी संभव नहीं है, सिर्फ यही दो वैल्यू आपके सामने आई, अल्फा बराबर प्लस माइनस फोर बाई रूट थ्री, यानी कि आप पॉइंट्स हो गए भाई, डायरेक्ट आंसर लिखा हमने, पॉइंट्स हो गया एक फोर बाई रूट थ्री, और बीटा की वैल्यू टू पे आई है, और फिर आपका फोर बाई रूट थ्री और बीटा माइनस फोर बाई रूट थ्री और बीटा की वैल्यू टू पे ही आई है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। आपके सामने दिख रहा होगा कि पॉइंट्स पूछ रहा था, वो बोला था वर्टिकल टेंजेंट यूज किया हमने, वही चीज आपका कि डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा कमा बीटा इक्वल टू वन बाई जीरो। अब अगर एक सवाल और हम आपके सामने लिखते हैं, मान लो सवाल अगर हमने आपको सामने लिख दिया, सवाल लिख दिया आपके सामने कि देखो सवाल कह रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल कि फाइंड लोकस ऑफ, सवाल में मैं ले रहा हूं कि फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व। मैंने एक कर्व लिया y स्क्वायर इक्वल टू फोर ए फोर ए, फिर लिया आपका वन प्लस a इंटू साइन एक्स बाई ए, वन प्लस ए प्लस साइन एक्स बाई ए। ठीक है, वेयर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या हो गई यहाँ पे, जहां पे टेंजेंट कैसी हो गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। तो अगर पैरेलल टू टेंजेंट एक्स एक्सिस हो गई तो उसका हमको स्लोप चाहिए, हमको उस पॉइंट का लोकस चाहिए। तो याद करो क्लास इलेवेंथ को, यहां पे मैं फिर से बोलूंगा, क्लास इलेवेंथ में याद करो, जैसे ही किसी का लोकस अपन लोग बात करते थे तो क्या करते थे कि पहले उसको मान लेते थे एच कामक के, कि हम मान लेते कि लेट लकी पॉइंट जो है, जो भी हो आपका सौभाग्य, मतलब सौभाग्यशाली जो पॉइंट है वो है आपका एच कामा के। सौभाग्यशाली में से बात का पार्ट मत उठा लेना, पूरा वर्ड को एज यूजुअल यूज करना। तो ये हो गया लकी पॉइंट एच कामा के है, तो क्या पहले एच कामा के, मतलब एच कामा के सेटिस्फाई करेगा क्या कर पे, यानी लाई करेगा क्या कर पे, क्योंकि अरे भाई जब लाई नहीं करेगा तो कैसे हम कहेंगे लाई ऑन कर, कैसे हम कहेंगे कि ये इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जाएगा। लाई करेगा मतलब क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वन प्लस ए साइन एक्स वाई ए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और चीज है, सवाल में लिखा रहेगा, सवाल में कॉन्स्टेंट ही दे रखा है, कुछ और खास नहीं दे रखा है, तो चलो कोई बात नहीं है अपने पास। अच्छा और ये हो जाएगा एच बाई ए। अच्छा दूसरा कि अब जरा स्लोप निकाला जाए, मतलब स्लोप आपका दे रखा है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब यह होता है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एच कामा के पे कैसी है, जीरो है। जरा डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, देखो डायरेक्ट मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फोर ए, वन का जीरो हो गया प्लस ए का ए ही रहा, साइन का हो गया कॉस एक्स बाई ए, साइन का हो गया कॉस एक्स बाई ए, और आपका साइन का हो गया कॉस एक्स बाई ए इंटू यहां पे और क्या हो गया आपका वन बाई ए इज इक्वल टू
आपका क्या बन गया इज इक्वल टू, अच्छा अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फिलहाल में कितनी है, एच कामा के रख दिया जाए तो 2kdy/dx एट एच कामा के इज इक्वल टू 4a और यहाँ पे है 0 प्लस एक a से एक कट गया cos x बाई ए है, ठीक है ना, cos x बाई ए है, cos x बाई ए की वैल्यू देखो थोड़ा समय फिर से इसको हटा रहा हूं बच्चों, मैं फिर से इसको हटा दे रहा हूं और यहां से क्लियरली अपने को दिख रहा है कि cos x बाई ए की वैल्यू जो है, cos x बाई ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0, क्योंकि dy बाई dx की वैल्यू हो गई 0, तो 2k इंटू 0 इक्वल टू 4a इंटू cos x बाई ए इज इक्वल टू हो गया आपका 0, और cos x बाई ए, cos x बाई ए की वैल्यू 0 हो गया तो यानी इसको छोड़ दो, यहां से 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है अगर जहां पे cos x बाई ए की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि x बाई जो a की वैल्यू है वो या तो पाई बाई 2 है या फिर 3π/2 है, मतलब sin x बाई ए की जो वैल्यू होगी, ये x क्यों आ रहा है, ये h है ना, x की जगह पे तो h है, ये पुट करने के बाद यहां पे तो बच्चों h बन गया ना, तो ये आपका साइन एच बाई ए की वैल्यू या तो 1 होगी या साइन एच बाई ए की वैल्यू -1 होगी। अब जरा देखो उठा के रखते हैं अपने पास क्या आया हुआ है, इक्वेशन आया हुआ है कहीं बीच में के स्क्वायर इक्वल टू 4a1+a इंटू साइन एच बाई ए, ए की जगह पे एच बाई ए की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने के स्क्वायर 4a और आपका यहां पे हमने क्या पुट कर दिया आपका इस h के जगह पे हमने पुट कर दिया 1 तो 1 ही रहा, साइन h बाई ए की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, फिर a इंटू 1 बना या फिर k स्क्वायर इक्वल टू 4a1+a इंटू -1 पुट कर दिया हमने, क्योंकि जहां पे cos h बाई ए 0 होगा वहां पे साइन h बाई ए या तो +1 होगा या तो -1 होगा, तो ये आपका फाइनली आंसर क्या आ गया कि या तो y स्क्वायर इक्वल टू देखो a इंटू ए क्या हम लिख सकते हैं 4a1+a होगा या y स्क्वायर इक्वल टू 4a1-a, यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब बात समझ में आ रही है, तो इस तरह की चीजें आपका। चलिए एक और सवाल अगर मैं लेता हूं, इधर से मैं साफ करता हूं हटाता हूं और एक सवाल, तब तक आप इसको ध्यान से देखो कि कहीं से कोई मिस्टेक हुआ हो या कहीं से कुछ गड़बड़ हो तो देख लो उसको ठीक कर लो यहीं कहीं। अगला सवाल मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो कि सवाल लिखा है कि टेंजेंट्स, सवाल मान लो लिखा है ऐसे, क्वेश्चन मान लो ऐसे लिखा है कि इफ टेंजेंट्स ऑन द कर्व, एक कर्व दे रखा है वाई इज इक्वल टू x/(x²-3) और x बिलोंग टू r बट x नॉट इक्वल टू +-√3, चूंकि ये आईआईटी का सवाल है 2019 आईआईटी 2019 का ही है, तो एक बात क्लियर है कि अगर ये तब का सवाल है तो ये पक्की बात है आईआईटी का सवाल है, तो हर वो एक कंडीशन लगाएगा जो कंडीशन से हमको प्रॉब्लम हो सकती थी, बोला x पूरा रियल नंबर है लेकिन x को दिक्कत है किस पे +-√3 पे, तो बोल दिया कि वो नहीं है, ये बात लगा दिया, ठीक है, इफ टेंजेंट्स ऑन द कर्व दिस वन एट किसी पॉइंट पे बोल रहा है कोई पॉइंट है अल्फा कामा बीटा इज पैरेलल टू कुछ दे रखा है 2x+6y-0, देन आपसे सवाल कह रहा है कि देन विच वन इज करेक्ट, देन पहला ऑप्शन दे रखा है मॉड में 6α+2β=19, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है बच्चों आपके सामने 6α+2β=9, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2α+6β=2, चौथा ऑप्शन दे रखा है 2α+6β=11। देखो अभी तक जितना मैं पढ़ाया हूं उसी पे सवाल है, बिल्कुल अलग कुछ भी नहीं है, जितना मैं पढ़ाया हूं उसी पे सवाल है, तो सवाल को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सवाल के सॉल्यूशन की तरफ बात करेंगे, आप चाहे तो रोक के आप आराम से सवाल सॉल्व करके फिर आप आगे देख के बता सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो कौन सा है। आई थिंक ऑप्शन ए इसका होना चाहिए, जरा एक बार निकाल लेते हैं,
एक बार जरा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि y इज इक्वल टू अपने पास है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, और कह रहा है कि dy by dx यहां पे कह रहा है कि इसके पे अपने पास एक लाइन दे रखा है, लाइन है 2x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इसका जरा स्लोप ऑफ लाइन बताएं बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन है -6 -2/6, यानी माइनस एक्स का कोफिशियंट अपॉन वाई का कोफिशियंट, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा हुआ है, तो हो गया -1/3। ये आपका हो गया स्लोप ऑफ लाइन, और जरा इसका स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, कर्व के स्लोप का टेंजेंट कहां पे, एट अल्फा कामा बीटा पे। इतना सारा बात कहीं में मैंने लिख दिया, इसके लिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा कामा बीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स जरा निकाला जाए, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाले, जरा देखो निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यू वाई भी रूल लगा देते हैं, यू वाई भी रूल लगाएंगे तो हो जाएगा, देखो नीचे वाले का तो होल स्क्वायर हो गया भाई, चुपचाप नीचे वाले का तो होल स्क्वायर कर लिया, फिर ऊपर में तो न्यू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंसिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंसिएशन 2x, और ये अब इसको डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा कामा बीटा पे निकालना है, तो अल्फा कामा बीटा मैं एकदम एक बिल्कुल मिनिमम सोल्यूशन निकाल रहा हूं। आप क्या कर सकते थे, यहीं पे डायरेक्ट सर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, अल्फा बीटा कामा पुट वही पुट करेंगे तो आपका ये बात आएगी, डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट इसको -1/3 के बराबर पुट करते, सॉल्व करते, इसमें आपका इक्वेशन निकल के आ जाती, ठीक है ना। तो हम लिख ले रहे हैं वैसे अल्फा कामा बीटा, हम पूरा जैसे सॉल्यूशन होना चाहिए वैसे मैं लिख रहा हूं, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन नीचे में अल्फा स्क्वायर माइनस 3, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, सवाल अपनी तरफ से खुद दे रखा है कि इसके पैरेलल है, मतलब -1/3 के बराबर है। यार देखो तो ये क्या माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 हो गया क्या बच्चों, एक माइनस देखो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 3, देखो क्या आया माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अपॉन ये होल स्क्वायर है, ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3, ये वाला माइनस इसको काट के प्लस कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो देखो यहाँ पे आया 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू ये वाला होल स्क्वायर, यहाँ पे जाके हो जाएगा अल्फा की पावर फोर प्लस माइनस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 से 9 कट गया। एक और बात मैं वापस आता हूं, यहां पे ये बात देने के अलावा अल्फा कामा बीटा लिखा है कि आपका अल्फा कामा बीटा, एक और चीज सवाल में मेरे से छूट गया था, 0,0 के बराबर नहीं है, ये बात सवाल में लिखा हुआ था कि एंड अल्फा कामा बीटा नॉट इक्वल टू 0,0, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू 0,0,0 नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे आप देखो कि ये वैल्यू कभी संभव ही नहीं है, अरे बात समझ में ना, ये वाली वैल्यू कभी संभव ही नहीं है, इसलिए अल्फा कामा बीटा नॉट इक्वल टू 0 सवाल में अपनी तरह से दे ही रखा है, ठीक है। तो अब यहां वापस आ जाते हैं, तो क्या हो गया यहां पे, यहां से बचा सिर्फ ये 6 अल्फा स्क्वायर इधर आके बन गया आपका 9 अल्फा स्क्वायर, या इसी को मैं ऐसे 0 रख देता हूं, अल्फा की पावर 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर, यहां से अल्फा स्क्वायर कॉमन हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 बच गया, यहां से अल्फा इक्वल टू 0 आ गया और अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो गया। ये तो लेंगे नहीं, ये तो नहीं लेंगे क्योंकि सवाल में मना किया है इसको लेने से, तो इसको तो मना कर देंगे, लेकिन ये ले सकते हैं, यानी अल्फा इक्वल टू 3 ले सकते हैं और अल्फा इक्वल टू माइनस 3 ले सकते हैं। बीटा क्या हो जाएगा भाई, बीटा इस कर्व का ही पॉइंट है, तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 3, ये बात आपके साथ में लगी रहेगी, तो यह हो जाएगा बीटा इक्वल टू अल्फा की जगह पे अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 3, बताओ बच्चों 3/9-3 ये क्या 1/2 सबको दिख रहा है क्या, परफेक्ट जवाब, अल्फा इक्वल टू माइनस 3 किया तो ये हो गया -3/9-3, मतलब क्या -1/2 सबको दिख रहा है क्या, तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ही अल्फा का मतलब 3 और 1/2 एक हुआ, या फिर आपका -3 -1/2 एक हुआ। अब जरा पहले ऑप्शन को लेके चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 6 अल्फा प्लस 3 2 बीटा,
इक्वल टू ये 19, ये 6 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू, ये निकालना है 6 अल्फा निकालते हैं, जरा देखो तो 6 × 3 + 2 × 1/2 क्या 19 आ रहा है क्या, दोनों में से दोनों वैल्यू रख के देखो 19 आ रहा है क्या, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बोलो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, ये वाला। बात समझ में आ रही है? तो जेई में आईआईटी में भी सवाल बिल्कुल आसान आता है, एकदम बिल्कुल ऐसी टेंजेंट नॉर्मल का सवाल, हर मतलब आजकल तो 4 पेपर्स में से 4 नहीं 8 या 6 या 8 मतलब 3 या 4 दिन होता है, 2-2 शिफ्ट में, तो उसमें से तो आपका 2 से मतलब हर शिफ्ट में एक सवाल या नहीं तो किसी न किसी शिफ्ट में आ जा रहा है, मतलब एक साल में 5 से 6 सवाल आपको मिल जाएंगे, 4 से 5 से 6 सवाल जरूर मिल रहे हैं हर एक साल का, ये आपका मतलब पिछले 2 साल का ये पैटर्न बन गया है। बात समझ आ रही है? चलो और थोड़ा सा आगे कुछ और सवाल करेंगे और आगे अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे। अगला सवाल है, इफ लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 टचेस द कर्व, देखो मैंने पहले से ही मैं बोल रखा हूं कि जो मैं यहाँ पे कर्व लूंगा वो कर्व आपका ज्योमेट्री वाली यानी कोनिक सेक्शन वाली नहीं होगी, और कोनिक सेक्शन वाली कर्व लूंगा तो अलग से मैं बता दूंगा कि ये मैं कोनिक सेक्शन पढ़ा रहा हूं भाई। इस समय ध्यान रखो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी चलने लगी और ये टेंजेंट नॉर्मल भी चलने लगा, तो दोनों काम करूंगा, पहले फिर ना बिना कोनिक सेक्शन की चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो इफ लाइन दिस वन इक्वल टू 1 टचेज द कर्व वाई इज इक्वल टू आपका बीई की पावर माइनस एक्स बाई ए, बीई की पावर माइनस एक्स बाई ए, तो आपका इस केस में देन फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, देन फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का मतलब वो पॉइंट चाहिए जहां पे ये कर्व ये लाइन उस कर्व को टच कर दी, क्या चाहिए वो पॉइंट चाहिए जहां पे ये लाइन इस कर्व को टच कर दी। बात समझ में आया? हम मान लेते हैं कि लेट सवाल सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं कि लेट क्या मान ले कि अल्फा कामा बीटा वो आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, वही लकी पॉइंट है, यही पॉइंट है जो इस पॉइंट पे इसको टेंजेंट कर दिया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है ना, ये उस पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है। तो अच्छा जरा सा, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट है तो पहले तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का इक्वल होगा, स्लोप ऑफ लाइन जरा बताओ, सब लोग स्लोप ऑफ लाइन जरा देख के बोले बच्चों, माइनस एक्स का कोफिशियंट अपॉन वाई का कोफिशियंट फाइनली आया माइनस बी बाई ए, इसका भी स्लोप निकाले डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाए, और ये भी अल्फा कामा बीटा पे, और अगर जिस पॉइंट पे टेंजेंट इस स्लोप होगी दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा अगर ये टेंजेंट होगी तो इसका डी वाई बाई डी एक्स इस कर्व का डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व अल्फा कामा बीटा एट कर्व ये आपका माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा, दोनों स्लोप के बराबर हो जाएगा। देखो ये फिजिक्स में खूब लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना कि आर एस भी ऐसे कुछ की मतलब रेडियस, आप कुछ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू किसी और के रिस्पेक्ट में बोलते हो, या वेलोसिटी बोलते हो, वेलोसिटी ऑफ कुछ बोट रिवर बोट प्रॉब्लम बोलते हो तो बोलते हो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या विथ रिस्पेक्ट टू स्विमर, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे लिखते हो ना, तो इसका पूरा आप वहां जैसे पढ़ पाते हो वैसे यहाँ भी पढ़ो ना, फिजिक्स और मैथ सब तो पढ़ ही रहे हो साथ साथ, तो इसको क्या पढ़ते हो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो यहाँ बोलते ना कि हाँ रिवर के साथ वो इतना हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का ग्राउंड के साथ इतना हो, जो बाहर वाला खड़ा है रिवर के बाहर जो खड़ा है वो देख रहा है, उसको वेक्टर के थ्रू आप सॉल्व करते हो, तो वो सब चीजें जैसे इसको पढ़ते हो वो भी यही पढ़ो कि dy / dx या स्लोप ऑफ लाइन क्या पढ़ रहे हो, कि स्लोप ऑफ लाइन क्या पढ़ रहे हो, dy / dx एट अल्फा कॉमा बीटा ऑफ कर्व का पढ़ रहे हो, तो बस आप पढ़ना है, ये नहीं कि नोटेशन का हमको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी है, परेशान नहीं होना है कि सर इतने सारे नोटेशन है हम कैसे याद रखें, कुछ याद नहीं रखना है, वो तो आपके डेली लाइफ का है, नाश्ता है आपका, मतलब आपने इसको फटाफट ऐसे नाश्ता में चबा रहे हो ये सब चीजें, तो आप dy / dx इसका निकाला, आपने dy / dx ऑफ कर्व निकाल रहे हैं आप, dy / dx ऑफ कर्व क्या हो गया, b into e की पावर माइनस x / a
इंटू माइनस वन बाई ए, बस सही है क्योंकि इसका भी डिफ्रेंसिएशन होना ही होना है, माइनस एक्स बाई ए। और ये इसको किस पॉइंट पे निकालना है अपने को, तो डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा कमा बीटा, थोड़ा सा मुझे यहाँ जगह है तो मैं थोड़ा सा कंजूस आदमी हूँ इसलिए इसमें मैं जगह में यूज कर ले रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व एट अल्फा कामा बीटा पे अगर निकालना पड़ेगा हम कहेंगे ये हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स बाई माइनस अल्फा बाई ए। और जरा देखो तो ये माइनस वन बाई ए तो माइनस बी बाई ए के बराबर हो गया क्या, और ये सवाल में माइनस बी बाई ए के बराबर इसके बराबर हो जाएगा। देखो तो यही जिस दिन आया, जिस दिन मैं ये लिखूंगा माइनस बी बाई ए के बराबर कर दूंगा ये दोनों का टर्म, e की पावर माइनस अल्फा बाई ए क्या बात है वन हो गया और ये कुछ नहीं आपका e की पावर जीरो, मतलब माइनस अल्फा बाई ए की वैल्यू जीरो हो गया, मतलब अल्फा बराबर तो जीरो हो गया। अच्छा ये अल्फा बीटा इस कर्व के ऊपर भी सेटिस्फाई कर रहा था क्या, बोलो बोलो ये अल्फा बीटा इस कर्व के ऊपर भी था क्या, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहां से निकालोगे, तो अल्फा कामा बीटा लाई ऑन कर्व, कर्व के ऊपर लाई करेगा, मतलब y इक्वल टू बी ई की पावर माइनस एक्स बाई ए के ऊपर लाई करेगा, मतलब बीटा इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस अल्फा बाई ए पे काम चलेगा, अल्फा की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो ये हो गया आपका बी, बीटा इक्वल टू बी, देयरफॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आंसर आ गया भाई, क्या हो गया आंसर आ गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका अल्फा कामा बीटा इज नथिंग बट जीरो कामा बी, और कुछ नहीं है ये जीरो कामा बी के बराबर है। जरा सा अगले सवाल लेते हैं, ये सवाल आपने नोट कर लो आराम से, तब तक मैं अगला सवाल लिख देता हूं आपके सामने। अगला सवाल है आपका कि फाइंड, मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूं ताकि आप लिख सके उसको, लिखा है अगला सवाल फाइंड, या आराम से रोक के आप लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सी, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सी सच दैट 3x प्लस 4y इक्वल टू सी इज टेंजेंट टू द कर्व। देखो यहां पे फिर से मैं वही कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं ले रहा हूं, x की पावर 4 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इस टेंजेंट पे कर्व हो जाए, इस कर्व पे टेंजेंट हो जाए, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सी सच दैट ये वाली लाइन इसके ऊपर टेंजेंट हो जाए, कॉन्सेप्ट वही, ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट, जैसे मान लो ऐसा कुछ ये कर्व है, नहीं पता क्या है पर यही कर्व है, और ये लाइन कह रहा है 3x प्लस 4y कह रहा है कि ये इस हमको वो पॉइंट चाहिए जहां पे ये कर्व हो रहा है, देखो ये यहाँ पे ये इस पॉइंट को हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर मैंने अल्फा कामा बीटा मान लिया ये पॉइंट तो अल्फा कामा बीटा बोलो इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अच्छा इस कर्व का डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा कमा बीटा जो होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, और कह रहा है कि ये वाली लाइन इसकी टेंजेंट है, मतलब दोनों का स्लोप बराबर है, इसका स्लोप और इसका यहाँ पे जो स्लोप हम जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कर्व की मदद से निकालेंगे वो स्लोप ऑफ टेंजेंट और आपका जो लाइन है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा क्या, क्योंकि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझ में आ रही है, वही काम फंडा कर रहे हैं कि मान ले रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सी, तो हमको सी की वैल्यू बतानी है, हम अल्फा बीटा इस बार नहीं मान रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि स्लोप ऑफ लाइन कितना है। देखो बच्चों स्लोप ऑफ लाइन कितना है आपको दिख रहा होगा, सर जी माइनस 3/4 है, काहे इतना दिमाग लगा रहे हो, तो फिर स्लोप ऑफ कर्व भी तो निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ कर्व जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन के बराबर हो जाएगा, यही बस पूरा फंडा है इस सवाल का। अब बोलो स्लोप ऑफ कर्व कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ कर्व के लिए ये डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए 4x³/2 = 1 + dy/dx, बहुत बढ़िया शानदार, 4 ये कट गया, कट के 2 बन गया, 2x³ - 1 = dy/dx, यही आपका कर्व का हो गया, अगर ये कर्व का हो गया तो ये इसके बराबर हो गया, देखो यहां से तो ये हो जाएगा 2x³ - 1 = -3/4, 1 को उधर भेजो 2x³ - 3/4 + 1 हो गया, ये कट पिट के आपका घट के आया 1/4, x³ = 1/8, x = हो गया क्लियर सी बात है 1/2, बहुत आसान आ गया।
अगर x इक्वल टू 1/2 आ गया तो सर जी y कैसे निकालेंगे, इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे? कहा नहीं कि नहीं यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, y निकाल लो, y निकाल लो, y निकाला हमारे पास तो क्या आया y की वैल्यू, जरा देखो तो क्या है y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई आपकी ये आपका y इक्वल टू यानी x स्क्वायर x की पावर 4/2 इक्वल टू x प्लस y, y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो लकी पॉइंट हो जाएगा जहां पे निकालने वाले हैं x की पावर 4/2 माइनस x, रख दिया 1/4 कितना 4 यानी 1/16/2 1/32 माइनस 2 कितना हो गया भाई, कितना आ गया यहां से देखो y की वैल्यू क्या आ गया, तो ये आपका 2 और ये कितना शायद आपका ये 1 - 16/32 मतलब शायद y इज इक्वल टू आ गया -15/32। तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू तो एक ही आई कि जहां पे टच कर रहा है, एक ही आई वो कि जो इसके पैरेलल हो रहा है, बट c की वैल्यू क्या आ गई, अगर हमें c की वैल्यू निकालना होगा 9c, c की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो c इक्वल टू है 3x + 4y, 3 और x के जगह पे कितना 1/2 माइनस 4 y की जगह पे कितना तो -4 × 15/32 देखो यहाँ पे है 32 काटा 8 हुआ, ये हो गया आपका 3/2 -15/8 क्या आ गया LCM लिया 8 लिया LCM ये आपका हो गया 12 - 15 तो ये हो गया c की वैल्यू आ गई माइनस आपका 3/8 देखो शायद दिख रहा होगा -3/8 तो c की नंबर ऑफ वैल्यू पूछा है फाइंड नंबर ऑफ वैल्यू तो एक ही वैल्यू आई वो वैल्यू कितनी आई -3/8 बात समझ में आ रही है बहुत सिंपल सा सवाल है बहुत सिंपल सा फंडा है कुछ भी कठिन नहीं है इन सवालों में आप फटाफट नोट कर लें टेंजेंट नॉर्मल